अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये बाली डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने हबी इंडिया मल्टी कलर क्रोचेट थ्रेड से बनाया है। इसकी परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये आपको प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स की वेबसाइट पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक ज़रूर करना, वहाँ पर आपको इस थ्रेड की परचेज लिंक मिल जाएगी और उनका व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है थ्रेड परचेस करने में तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम मैं यही डिज़ाइन इस बाली पर आपको बनाकर बताऊंगी, और ये है वो थ्रेड जिससे हम ये बाली डिज़ाइन बनाने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नीडल लेंगे 7 नंबर 0.95 mm की, और फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट ले लेंगे। तरीके से स्लिप नट लेने के बाद आपको बाली के एक तरफ से इस तरीके से नीडल डालनी है और धागा ऐसे अटकाकर ऊपर की तरफ ले लेना है। फिर दोनों धागों में से हम बाहर आ जाएंगे इस तरीके से, बराबर उसके बाजू में से नीडल डालेंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे और दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे। इसी तरीके से हम पूरी लाइन पर सिंगल क्रोचेट लेते जाएंगे। आपको अच्छे से इसे फिल करना है और ऐसे सिंगल क्रोचेट लेते हुए ये पूरी लाइन, पूरा राउंड आपको कंप्लीट करना है। मैं आपको ये पूरी कंप्लीट करके बताती हूँ। इसी तरीके से आपको कंटिन्यू फॉलो करते जाना है। इस तरीके से नीडल डालें, धागा लेते हुए बाहर आए और दोनों धागों में से आप बाहर आ जाएं, ऐसे। इस तरह हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर मैंने टोटल 80 बार मैंने सिंगल क्रोचेट लेते हुए ये लाइन पूरी कम्प्लीट कर ली है। अब आपको धागा कट करना है, तो इसके लिए आपको सिंपली एक्स्ट्रा 2 चैन ले लें ताकि धागा सेफ रहे और खुले ना। उसके बाद में आप धागा कट कर लें। कट करने के बाद आपको इस तरीके से लॉक करना है, और लॉक करने के बाद ये जो दोनों धागे आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, इसे डायरेक्टली आपको कट नहीं करना है। पहले आप यहाँ से एक धागा उठा लें ताकि ये फिनिशिंग में लगे, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बताती हूँ। और जो एक्स्ट्रा धागा है इसे पकड़कर अंदर की तरफ आप खींच लो। इस तरीके से खींचने के बाद आप फिर ये एक्स्ट्रा धागा कट कर सकते हैं। अब ऐसे ही आपको इस तरफ भी करना है, तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ये देखें, यहाँ पर भी आपको सेम ऐसे ही कर लेना है। दोनों तरफ से इसी तरीके से अच्छे से लॉक करने के बाद मैंने धागा, एक्स्ट्रा धागा कट कर लिया है। अब इसे हम साइड में कर लेंगे, और जो ये एक धागा है ऐसे अब हमें 3 धागे चाहिए। तो इस तरीके से आपको टोटल 3 धागों को मिलाकर ये बो बनाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला है। अगर आप सिंगल धागे से बनाओगे तो नहीं बनेगा। ये 2 और 1 3, इस तरीके से आपको 3 धागे पकड़ लेने हैं पहले। तीन धागों को पकड़ने के बाद आपको सेम इसी तरीके से तीनों धागों को साथ में आपको फिंगर पर धागा फोल्ड करना है इस तरीके से। अब इसे बनाने के लिए मैं नीडल लेने वाली हूँ 3 mm की। अगर आपके पास है तो ले, वरना आप 2 mm या 2.5 mm की भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको इस तरीके से पहले राउंड लेकर स्लिप नट ले लेना है। स्लिप नट लेने के बाद आपको लेनी है 6 चैन, 1 2 3 4 5 6। 6 चैन लेने के बाद फर्स्ट चैन के गैप में आपको अटैच करना है, और इस तरीके से रिंग बना लेनी है। रिंग बनने के बाद आपको
रिंग में आपको सिंगल क्रोशेट लेना है इस तरीके से। सिंगल क्रोशेट लेने के बाद 6 चैन लेनी है, 1 2 3 4 5 6। 6 चैन लेने के बाद नीडल पर आपको 3 बार धागा फोल्ड करना है। डबल ट्रिपल क्रोशेट स्टिच यहाँ पर हम बनाने वाले हैं। 3 बार धागा फोल्ड करने के बाद आप गैप में जाओगे, धागा लेते हुए बाहर आओगे, 2 धागों में से बाहर आ जाओगे, फिर 2 धागों में से बाहर आओगे, फिर 2 धागों में से बाहर आना है और फिर 2 धागों में से बाहर आना है। इस दरमियान में कोई भी एक भी धागा आपका छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से आप फिर से 3 बार धागा फोल्ड कर लो। गैप में आपको डबल ट्रिपल क्रोचेट स्टिच बनानी है, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स आपको 2-2 धागों में से इस तरीके से बाहर आना है। ये 2 बार हो गया, जो ये एक्स्ट्रा धागा है इसे आप कट कर लो ताकि ये बीच बीच में आपके नड़े ना। इसी तरीके से हम टोटल 5 टाइम बना लेंगे। एक भी धागा बीच में छूटना नहीं चाहिए। और 2 बार मैं आपको बनाकर बताती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर टोटल 5 टाइम डबल ट्रिपल क्रोचेट बना लिया है। अब फिर से हम 6 चैन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 चैन लेने के बाद गैप में हम अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अब अटैच करने के बाद बिल्कुल उसके बाजू में हम फिर से अटैच कर लेंगे, लाइक सिंगल क्रोचेट ले लेंगे इस तरीके से। अब फिर से हम बना लेंगे 6 चैन, 1 2 3 4 5 6। 6 चैन लेने के बाद सेम ऐसे ही अब हम फिर से 5 टाइम डबल ट्रिपल क्रोचेट स्टिच बना लेंगे, 1 2 और मैं आपको 3 टाइम्स ऐसे ही डबल ट्रिपल क्रोचेट स्टिच बनाकर बताती हूँ। ये देखिए 5 टाइम कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर से 6 चैन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 चैन लेने के बाद हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद ये हमारा बो बिल्कुल रेडी है। अब आपको लेना है सिंपली 2 चैन और धागा कट कर लेना है। अब यहाँ पर धागा खींच कर आपको बाहर निकाल लेना है और जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम बैक साइड में अटैच कर लेंगे। इस तरीके से अब जो एक्स्ट्रा धागा है इसे आप कट कर लो। ये इसका बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से हम पहले इस पर ये राउंड बांध लेंगे। तो इसके लिए हम ये जो 3 धागे हमने लिए थे वो वैसे ही रखेंगे। इस तरीके से इस तरफ रखकर पहले आपको थोड़ा धागा बैक साइड के लिए छोड़ना है। ये देखें ऐसे आपको पकड़ लेना है पहले धागे और
यहाँ पर ये एक्स्ट्रा धागा जो है इसे आप ऐसे ही रख दो, क्योंकि बैक साइड में आपको नट देना होगा। और यहाँ से आपको जितने राउंड्स चाहिए आपको इस तरीके से लपेटते जाना है। ध्यान रहे फिनिशिंग में आए, जो हमने राउंड बनाया है उसी पर ये इस तरीके से राउंड होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं किस तरीके से यहाँ पर ये फोल्ड कर रही हूँ। सो बिल्कुल इसी तरीके से आपको फोल्ड करते जाना है। ये इस तरीके से ये देखें। और अब हम इसको बैक साइड में यहाँ पर धागा कट करके बैक साइड में नट दे देंगे। यहाँ पर आपको अच्छे से नट देनी है, 2-3 नट्स आप दे दो। ये इस तरीके से ताकि ये खुले ना। और फिर जो एक्स्ट्रा धागा है वो हम यहाँ पर अंदर की तरफ ले लेंगे। सो गाइस, ये हमारा बो बिल्कुल रेडी है और ये बो हमारी इस बाली के साइज़ का बना है। तो अब हम इसे इस तरीके की एक नीडल ले लेंगे। इसमें मैंने डबल धागा लिया है और यहाँ पर नट ले लिया है। अब इसका ये फ्रंट साइड है, इसे आपको क्या करना है, ये जो हमने सिंगल क्रोशेट बनाया है इसे इस तरीके से राउंड्स लेकर अंदर की तरफ ले लेना है, जैसे मैंने इस बाली में लिया है। तो इसे घुमा लें ऐसे। अंदर की तरफ लेने के बाद हम इसे ऐसे पकड़कर दोनों तरफ से अटैच कर लेंगे। मैं आपको एक तरफ का कर बताती हूँ। जितना गैप हमने यहाँ पर छोड़ा है, आप चाहे तो ये सिंगल क्रोचेट काउंट्स भी कर सकते हैं ताकि दोनों बराबर इक्वली लग जाए। सो यहाँ से यहाँ तक ये 13 गैप्स मैंने यहाँ पर छोड़े हैं इस वाली में। तो यहाँ पर भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से अटैच करूँगी इसे। तो आपको वो ध्यान देते हुए दोनों तरफ से आप काउंट कर लो। पहले हम इस तरफ से शुरुआत करेंगे, जैसे आपको जमता है बिल्कुल वैसे आप अटैच करते जाएं। ये इस तरीके से यहाँ से नीडल डालनी है, इस बाली के स्टिच में से निकालना है, फिर वहाँ से नीडल डालनी है और यहाँ से बाहर निकालना है। ये ऐसे, फिर यहाँ से नीडल डालें, यहाँ से बाहर निकालें। इस तरीके से फिर यहाँ से नीडल डालनी है और सामने से बाहर निकालना है। इसी तरीके से आपको ये पूरी बाली कंप्लीट करनी है, अटैच कर लेना है एक तरफ का। गाइस, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियोस ला सकूँ। और अभी फ़िलहाल तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो इजी ट्यूटोरियल्स है, जो जल्दी से बन जाए, शॉर्ट वीडियोस हो, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है मैं ज़्यादा टाइम बैठ सकूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट करें। और बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। सो इसी तरीके से आपको ये लास्ट एंड फाइनल स्टिच जो होगी वो फिर से आपको यहीं से निकाल कर यहाँ सामने से बाहर ले आनी है। अब ये इस तरफ का अच्छे से अटैच हो गया। इस तरह से अटैच होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक नट ले लेना है, इस तरीके से। अब जैसे हमने यहाँ पर ये अटैच किया है,
बिल्कुल वैसे ही आपको इस तरफ से भी इसे अटैच कर लेना है, ये ऐसे। ये भी आपको एक लेवल में काउंट करके अटैच करना है, तो ये भी मैं आपको अटैच करके बताती हूँ। सो गाइज, ये देखिए मैंने यहाँ पर भी इसे स्टिच कर लिया है। ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका बैक साइड है, लेकिन ये बहुत प्यारी लगती है पहनने के बाद। तो ये देखें इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। यूट्यूब पर ये आपको फर्स्ट टाइम देखने मिल रही होगी, क्योंकि अभी तक ये डिज़ाइन किसी ने नहीं सिखाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आप लोगों की दुआओं की, आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बाली डिज़ाइन कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं अगर मेरे लिए पॉसिबल है वो आप लोगों के साथ शेयर करना, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी कि वो डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइज़।